दामों को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह के घर तक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। विरोध के रूप में रमन सिंह को साइकिल भेंट की जाएगी। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच जो है प्रदेश कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा। यहाँ पर जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रदर्शन में शामिल होंगे, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी होगा, तो सबसे पहले हम नुक्कड़ नाटक के बारे में जानना चाहेंगे। महंगाई डायन के नाम से एक प्रतीक बनाया गया है, उसके नाम से जो है नुक्कड़ नाटक किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा इस नुक्कड़ नाटक में? इस नुक्कड़ नाटक में महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं, गैस के दाम कम हुए कि नहीं, अच्छे दिन आए कि नहीं, मैंने 70 साल से अच्छे दिन नहीं थे, आप अच्छे दिन ला रहे हैं मोदी जी, आप अपने लिए अच्छे दिन ला रहे हैं और ये साबित है आपके परिवेश को देख के, आपको देख के लगता है, हमको देख के देखिए आप, तो हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आए, 83 रुपए पेट्रोल के भाव है। उन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब समस्याओं को लेते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि आज उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए हमारे गिन्नी जी ने एक गाना भी तैयार किया है जिसको कल हमने यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया में छोड़ा है। तो वो गाना है मोदी जी के लिए, ये गाना है कि मोदी जी जैसा कहते हैं हमेशा, आज भी कहते हैं कि हमने अच्छा किया, अच्छा किया, क्या अच्छा किया? आज लद्दाख में, लद्दाख का एक एक आदमी, लद्दाख खुद कहता है कि चीन अंदर आ गया, मोदी जी कहते नहीं आया, राजनाथ सिंह कहते हैं अंदर आ गया, मोदी जी कहते, तो इतना झूठ, या तो आप लोगों में कोई बात तारतम्य नहीं है। तो उस पे 4 लाइनें हमने आज रिलीज की हैं, उसकी 4 लाइनें कि अच्छे दिन कहाँ हैं भैया, तो पेश कर रहा हूँ। अच्छे दिन कहाँ हैं भैया, 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 पूछती है भारती मैया, पूछती है भारती मैया, अच्छे दिन कहाँ हैं भैया, पूछती है भारती मैया, अच्छे दिन कहाँ हैं भैया, पूछती है भारती मैया, कपट की चाल चलैया, जुमले की भूल भूलैया, कपट की चाल चलैया, जुमले की भूल भूलैया, अच्छे दिन कहाँ हैं भैया, अच्छे दिन कहाँ हैं भैया, चीन अंदर आया, नेपाली गुर्राया, हेलीपैड बना लिए चीन ने, भी हेलीपैड बना लिया इंडिया में, मोदी जी को नहीं मालूम, मोदी जी को नहीं मालूम, आपको शायद नहीं मालूम, मोदी जी को नहीं मालूम, चीन अंदर आया, नेपाली गुर्राया, 56 इंच का सीना कहाँ छिपाया, 56 इंच का सीना कहाँ छिपाया, चीन अंदर आया, नेपाली गुर्राया, 56 इंच का सीना कहाँ छिपाया, 56 इंच का सीना कहाँ छिपाया, लाल आंखें नहीं, ऊंची बातें नहीं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम तू चिल्लाया, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम तू चिल्लाया, कोई न बजाए ताली, घर घर देते गाली, कोई न बजाए ताली, घर घर देते गाली, कपट की चाल चलैया, जुमले की भूल भूलैया, कपट की चाल चलैया, जुमले की भूल भूलैया, अच्छे दिन कहाँ है भैया, पूछती है भारती मैया, अच्छे दिन कहाँ है भैया, पूछती है भारती मैया। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने गाना भी बनाया है मोदी जी के लिए, मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो कहाँ है अच्छे दिन, इस तरह की जो बातें हैं वो उन गानों में की गई है। इस प्रदर्शन के माध्यम से जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को साइकिल भी सौंपी जाएगी, किस तरह की तैयारी है? देखिए, प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, उनका खुद का ये तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का। जब पेट्रोल की के दाम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी यूपी के शासनकाल में, तो वो खुद साइकिल लेके निकल गए थे, वो ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राजेश कुंडत जी, इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया था कि जैसे पता नहीं कौन सी आग बरस रही है आसमान से, और आज आग वाकई में बरस रही है आसमान से, 83 रुपये पेट्रोल की कीमत हो गई, डीजल की कीमत पेट्रोल के ऊपर जा रही है, गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, और लगातार हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, और कोरोना महामारी के इस कार्यकाल में, इस काल में जब
मोदी जी को यह समझना चाहिए कि आम नागरिक की कमर टूट गई है, गृहणियां जो है वो महंगाई की मार से त्रस्त हैं, वो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है और मोदी जी को शर्म आनी चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो भारत की जनता के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है वो कब तक चलेगा? 4 जुलाई तक जो है AICC ने आदेश जारी किया है, क्या 4 जुलाई तक प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, हमारे सभी जिलों में सभी ब्लॉक में ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा हमें ऊपर से आदेश है और हम करेंगे। ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है उसका चित्र दिखाना चाहेंगे हम लोगों को। देखिए यहाँ पर जो है नुक्कड़ नाटक के नाम से जो है प्रदर्शन होगा। ये महंगाई डायन, मतलब पेट्रोल को जो है महंगाई डायन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महंगाई डायन जो है वो लिखा हुआ है। पहले ये गाना भी निकला था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो उसी प्रदर्शन के रूप में जो है यहाँ पर महंगाई डायन का रूप जो है वो किया गया, प्रदर्शित किया गया है। महंगाई डायन से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं महंगाई डायन के माध्यम? अब ये हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, साहित्यिक प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की का ये प्रयास है कि महंगाई डायन के, महंगाई किस तरह से खून चूस रही है आम जनता से, किस तरह खून चूस रही है डायन की तरह से, उसको हम साबित करना दिखाना चाह रहे हैं। और दिखाना क्या है, आम घर घर परेशान, आप किसी के पास चले जाइए, किसी से पूछिए, घर घर में जाइए, वो त्रस्त है इस सरकार से, ऐसी महंगाई। और उसके बाद आम को शर्म भी नहीं आती। हमारे पास सारे फोटोग्राफ, आप आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, स्वयं राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं पेट्रोल का दाम कम करो, स्वयं मोदी जी कहते हैं पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, बस अरे क्या हुआ? अगर ऐसा आप कह रहे थे तो आज क्या कर रहे हैं आप? महंगा माने आसमान को छू रही है। अगर महंगाई थोड़ी बहुत हो तो समझ में आती, चलो कोई बात, आसमान 83 रुपए पेट्रोल, इवन अभी तो कल या परसों डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए थे, ऐसा तो पूरे माने 70-80 साल में नहीं हुआ। तो इस प्रकार फिर उसके बाद कहते हैं अभी चीन अंदर आया, आप कहते थे 56 इंच का सीना है हमारा, हम लाल आंखें दिखाएं, क्या दिखाया आपने? आप तो सीधे सीधे आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, लद्दाख के बच्चे से पूछ लो चीन अंदर घुसा है, आपको नहीं मालूम कहते हैं। तो फिर इसका क्या, हमारे पास ये आंदोलन का तरीका है, हम आपको साबित करके दिखा रहे हैं। AICC ने आदेश भी जारी किया है कि पेट्रोल की जो तकलीफ हो रही है आम लोगों को उसका वीडियो बनाकर भेजे, तो क्या तैयारी, वीडियो क्या बन रहे हैं या आ रहे हैं लोगों के सामने? जी बिल्कुल आ रहे हैं वीडियो। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, कांग्रेस की जब सरकार थी थोड़ी सी पेट्रोल डीजल के दाम में किसी भी चीजों में बढ़ोतरी होती थी तो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेकर पहुंच जाती थी लोगों के सामने। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ है और उनकी चूड़ियां कहाँ है? मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा रहे हैं और इससे रसोई प्रभावित हो रहा है, रसोई के दाम भी बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आखिर मोदी सरकार के वो अच्छे दिन कहाँ गए? और वो जो बड़े बड़े ढकोसले और दावे जो ठोका करते थे, आज उनके वो दावे का क्या हुए? सरहद पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो भी वो चुप है, महंगाई पे भी चुप है, हर एक चीजों में वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो अच्छे दिन कहाँ गए? तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इनका मांग है कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ बोलती बस है, उनका करना कुछ नहीं है। कोरोना काल में भी जो है पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया, जिसकी वजह से आम लोगों का जीना जो है, घर चलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। इस तरह के से यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, सबसे पहले नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शन जो है वो डॉक्टर रमन सिंह के घर तक साइकिल के माध्यम से जो है कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह को साइकिल भी भेंट की जाएगी कि आप पेट्रोल महंगा हो गया तो आप साइकिल से ही जो है आना जाना करिए। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी है वो प्रदर्शन करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। चलिए यहाँ रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए।